मिर्ची बॉलीवुड के अगेंस्ट पूरे सबके सामने है। देखिए सिंपल सी बात है, हमने उसे कहा था कि इस्तीफा देने के लिए, आज शरिया बोर्ड में आकर इस्तीफा देने के लिए। और सबसे पहली बात तो ज़ारा लेट आती है, मगर हमें लगता है कुछ हो तो नहीं गया उन्हें। और वो कहती है नहीं ठीक है, फिर कहती है कि इस्तीफ़ा देने से पहले हम अपनी एक बात पेश करना चाहते हैं। और वो ऐसा कुछ सबूत लाती है जिससे पूरा केस पलट जाता है। और फिर बात आती है कि निकाह हलाला खड़े थे, मगर हम अब भी वही कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी क्या था, वन बैड एप्पल डजंट मेक द होल, ऐसा कुछ था कि समझाने की कोशिश कर रहे कि यार वसीम गलत है, वसीम ने निकाह हलाला का गलत फ़ायदा उठाया। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे मुसलमान हर जगह पे निकाह हलाला का गलत फ़ायदा उठाएंगे। देखिए वो बनाया गया औरतों के हक़ में, और 10% 20% 30% लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, मगर बाकी 70% तो उसका सही फ़ायदा उठा रहे। देखिए निकाह हलाला की एक ऐसी चीज़ है जिस जो एक इंसान दो बार सोचता है कि यार तलाक देने से पहले, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तलाक एक ऐसी चीज़ है जो दो क्या 10 बार सोचना चाहिए तलाक देने से पहले। तो हम वही आर्ग्यू करते कि वसीम की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि निकाह हलाला गलत हो। आर्ग्यू आज आप दोनों की इतनी बड़ी है कि दूसरी बार आप क्यों उसे तलाक कहते हुए निकला है। अच्छा उसकी बात करें आप, हाँ उधर हम समझाने, हमें समझ में नहीं आता कि ज़ारा को कैसे समझाएं। हम भीख मांगते ज़ारा से, हम दरख्वास्त करते हैं, हम उसे फैक्ट्स दिखाते कि शरिया बोर्ड में आपके अबू ने ऐसा फ़ैसला दिया है, आबिदा ने बयान किया है, वसीम की सिग्नेचर है, कासिम की सिग्नेचर है, और क्या सबूत चाहिए आपको। मजबूर आबिदा ने दबाव के अंदर आकर ये सब किया, आबिदा खुद आकर कहती है हम पर कोई दबाव नहीं था, तो फिर किस बात को लेकर आप इतना वो। तो हम समझाते समझाते भीख मांगते दरख्वास्त करते हैं, फैक्ट्स दिखाते, उसके बाद हाँ हम कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ख़त्म, हमारा रिश्ता ख़त्म। लेकिन वो बात कहते कहते आप रुकें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार सामने आया है गुस्से में भी। ज़ारा सिद्दीकी, ज़ारा कबीर अहमद, लास्ट में जो कबीर अहमद हमारा नाम है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। क्या डिसीजन फाइनली लिया गया है और किस तरह शरिया बोर्ड में माशाल्लाह इस्तीफ़ा तो दे दी, ज़ारा ने इस्तीफ़ा तो दे दिया है, मगर पूरा केस उल्टा करके अभी देखते हैं। इसके बाद हम घर जाके ज़ारा से बात करेंगे, देखेंगे क्या होगा उसके बाद। और कोई सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ, तो ज़ारा का ये जीतना आपको कैसा लगा। देखिए सच कहें, कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हम केस जीते, अजीब लगा, मगर अजीब इसलिए हमें लग रहा है क्योंकि बार बार बात कहीं और चली जा रही है। अगर ज़ारा सही होती अपनी जगह, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि हम केस हार गए, मगर ये बात ही कहीं और जा रही है, ये कि कौन बात कर रहा है पीछे। लेकिन ज़ारा ने भी तो सच्ची बात कही, आपका सवाल खत्म हो चुका था। ज़ारा ने भी तो सच्ची बात कही है कि ऐसा फायदा उठाया जा रहा है कि निकाह करते कुछ लोग ना, तो पूरा लॉ बदल दिया जाए, मेरा यही मानना है। आप मुझे ये बताइए, लॉ जब भी लाया जाता है वो बहुत सोचने और समझने के बाद, और लोग देखते कि लॉ पहले मदद करा इसलिए लॉ लाते हैं। अभी आजकल के ज़माने में ये हो गया कि अगर एक दो लोग को बुरा लग गया, सोशल मीडिया पे आ गया, न्यूज़ ने पकड़ लिया और ख़त्म बात, पर बाकी जो लोग कंप्लेन नहीं करे उसका मतलब क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे, क्योंकि लॉ इज़ वर्किंग राइट, क्यों, वही कहना है मेरा। चलिए थैंक यू गाइज़।